हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है। मैंने जो ब्लूप्रिंट वाली वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि ब्लूप्रिंट इज मोस्ट नेसेसरी। अगर आपको ब्लूप्रिंट ही नहीं पता कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना, तो फिर आप क्या करके आओगे भाई पेपर में, तो ब्लूप्रिंट वाली वीडियो देख लेना। तो जो चैप्टर नंबर 11 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 7 मार्क्स का है। सो इसमें से मैंने आपको ब्लूप्रिंट वाली वीडियो में ये भी बताया था कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक एक मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। सो आपको ये पूरा अच्छे से रीड करना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स का भी इसी में से आ रहा है। सो इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की उनसे हमें पता चला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड टेस्ट। तो वो सारा इस वीडियो में फोकस किया गया है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई गई है, एनसीईआरटी से बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा और फ्लो चार्ट की फॉर्म में सब कुछ समझाया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम याद कैसे करेंगे, इतनी सारी हो गई अब हम पढ़ेंगे कैसे इन्हें, तो उनको मैं बताना चाहती हूं कि भाई केमिकल रिएक्शंस तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई और अल्टरनेटिव मेथड तो आप इनको हर रोज डेली सुबह देख सकते हैं और जो जितनी बार आप इन्हें देखेंगे कौन सा रिएजेंट क्या करता है उतने ही आपके काम आएंगे। सो आपको ये जरूर से जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए ना कैसे कौन सी चीज़ रिएजेंट डालें, किसमें कन्वर्ट होगा, अगर ये सब कुछ समझ में आ जाए ना तो हम कन्वर्जन नॉब बहुत मजे से करेंगे। सो इंटरेस्टिंग भी है, लेट्स स्टार्ट इट। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो इसमें सबसे पहले आपको एल्डिहाइड पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो CHO, जो RCHO वाली थिंग्स होती हैं वो एल्डिहाइड होती हैं, और जिनके RCOR तो वो होंगे कीटोन्स। सो अभी हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आपको एक एक चीज बेसिक से समझाई जाएगी, बेसिक से आपको बना देंगे एकदम स्टार, एकदम कंप्लीट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो को ढंग से देखेंगे तो। और मैं ये भी नहीं कहती आप पूरी वीडियो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ हमें फ्लो चार्ट मिल गए, हैंड रिटन नोट मिल गए, बस अब हम स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं, देन डू इट। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी वीडियो देखो, जो आपके लिए सहूलियत है वैसा करो। वैसे मैं आपको इसमें बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि इतना बेसिक हमें जरूरत नहीं है तो स्किप कर देना वीडियो को, कोई जरूरत नहीं है देखने की, 10-10 मिनट स्किप करके जहां से आपको लग रहा है हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। ओके, तो वैसे मैं सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको इसमें कवर करवाने वाली हूं इस चैप्टर की। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास टू वेज होती हैं। तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है? जब भी अल्कोहल का मतलब होता है OH, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जब भी OH किसी कार्बन के साथ जुड़ा है और वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। वहीं अगर ये वाला कार्बन जिससे अल्कोहल जुड़ा है, ये वाला कार्बन अगर दो कार्बन से अटैच होता तो हम इसे सेकेंडरी अल्कोहल बोल देते हैं। तो अभी ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। सो प्राइमरी अल्कोहल के दो तरीके हैं जिनसे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। पहला तरीका है हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दें PCC और PDC डाल के। ये जो हैं क्लोराइड्स ही होते हैं बेसिकली, तो जब हम इनको डालेंगे और पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम एल्डिहाइड को फॉर्म करते हैं। और सिमिलरली अगर यदि हम डीहाइड्रोजनेशन करवाते हैं कॉपर एट 573 केल्विन से तो भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम बोल दें तो कोई परेशानी नहीं होगी, ये ना सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट हैं बट ये दो बार आया हुआ था इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया, ये दो बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो जब भी एल्काइन के अंदर जब हम डाइल्यूट H2SO4, HGSO4 और पानी, ये तीनों चीज़ें डालते हैं तो फिर हमें मिलता है एल्डिहाइड। वैसे आपको इसमें पानी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें पहले ही डाइल्यूट H2SO4 लिख रखा है। सो अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना इतना नेसेसरी भी नहीं है। आपको डालना क्या क्या है इसके अंदर, H2SO4 एंड HGSO4 एंड वाटर। सो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको मे बी वीडियो के एंड तक याद हो भी जाएंगी, अगर नहीं हो तो दो बार देख लेना वीडियो को। अगर लग रहा है कि नहीं इतना नेट नहीं है, इतना चार्ज नहीं है फोन के अंदर, तो आप इनको NCERT से भी रीड कर सकते हैं। इसमें आपको NCERT के एकदम सिंपल नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये वीडियो दोबारा देख लेनी चाहिए। अगर नहीं देखना चाहते देन डोंट वरी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर NCERT से रीड कर लें, जो आपको ठीक लगे वैसा कर लें। सो नेक्स्ट अगर ये प्रिपरेशन देखें तो वो है एसाइल क्लोराइड से। नेम्ड रिएक्शन है एक रोजनमुंड रिएक्शन। एसाइल पोजीशन कौन सी होती है, तो देखो मैंने ना नोट्स बनाए थे कुछ, जो मैंने आपको नोट्स की वीडियो में बताया था कि हाँ ऐसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो उसमें मैंने सारी नेम्ड रिएक्शन लिख रखी है और सब जो भी इंपॉर्टेंट था ना वो सब कुछ लिख रखा है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना मेरे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अराउंड 2-3 पेजेस हैं जिसमें मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। सो अगर आपको ये चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जस्ट इसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी मैं। सो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या है, जब हम एसाइल क्लोराइड यानी कि जब क्लोरीन जुड़ा होता है एसाइल पोजीशन के ऊपर, जब हम उसके अंदर डाल देंगे हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ PD और BASO4, BASO4 जो है इसमें बेरियम सल्फेट, ये पॉइजन का काम कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन को नीचे की तरफ लेके जाएगा, रिएक्शन को रोकेगा ये।
क्योंकि अगर यदि ये ना होता तो ये सीधा जाके कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकती। अब हमने BSO4 डाला है तो ये रिएक्शन को बीच में ही रोक देगा कहाँ पे, एल्डिहाइड के ऊपर। सो ये थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर नेक्स्ट देखें तो वो है इटार्ड रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये है कि आपको टोल्यूइन स्टार्टिंग में लेना है और पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए CrO2Cl2 एंड CS2 ये लेने हैं, यानी क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है और आपको एंड में मिल जाएगा बेंच एल्डिहाइड। सो इसमें आपको इटार्ड रिएक्शन के अंदर मेन चीजें क्या याद रखनी है कि देखो इटार्ड टी से टोल्यूइन, तो आपको टोल्यूइन लेना है और वो भी क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कर देगा टोल्यूइन का और फिर एंड में आपको मिल जाएगा बेंच एल्डिहाइड। आपको ये बीच में जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलता है याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ही नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने, हाँ इसमें एक बीच में ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा, टोल्यूइन में जब हम डालेंगे क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 की प्रेजेंस में, जो CS2 है वो यहाँ पे एक मीडियम का काम करेगा जो कि नॉन पोलर मीडियम है उसका काम करेगा, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे मेन जो काम है वो है क्रोमाइल क्लोराइड का और इसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड के अंदर। सो नेक्स्ट, अगर यदि हम थोड़ा और फ्लो चार्ट की फॉर्म इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो ये बात है कि अगर यदि हम टोल्यूइन के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैसे करवाएंगे, इटार्ड रिएक्शन से करवाते हैं हम पार्शियल ऑक्सीडेशन। इटार्ड रिएक्शन में क्या डालेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 की प्रेजेंस में जब हम इटार रिएक्शन करवाएंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। और वहीं अगर यदि हम टोल्यूइन का फुल ऑक्सीडेशन करवा दें, एल्कली OH नेगेटिव का मतलब है एल्कली यानी बेसिक मीडियम KMnO4, तो फिर वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फुल ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। सो नेक्स्ट देखें गेटमैन कोच रिएक्शन। देखो इसके तो कोच के तो नाम में ही आ रहा है CHO, यानी कि इसमें हमें CHO एल्डिहाइड मिलने वाला है। सो हम लेंगे स्टार्टिंग में बेंजीन, उसके अंदर डाला CO HCl यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में डाल दिया हमने HCl एनहाइड्रस AgCl3 की प्रेजेंस में या फिर CuCl। तो जब हम इनके प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे तो वो बना देगा हमें एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। सो गेटमैन कोच रिएक्शन, इसके तो नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए CHO यानी कि इसमें CHO एल्डिहाइड बनने वाला है। और किस किस के प्रेजेंस में बनेगा, CO HCl एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट देखें स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन क्या कहती है कि जब हम जो नाइट्राइल होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में तो वो हमें देते हैं एल्डिहाइड्स। कैसे देंगे, पूरी रिएक्शन अभी देखते हैं। तो देखो स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन SnCl3, सो SN10 इसमें यूज होने वाला है, आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं। SN के बाद में आपको Cl2 अपने आप ध्यान आ जाएगा, SnCl2 और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कैसे होगी, हमने लिया है इथेन नाइट्राइल यानी कि इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N ये होना चाहिए, फिर हमने डाला SnCl2 HCl के प्रेजेंस में तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और दोनों साइड HH जुड़ जाएंगे। तो वही हुआ यहाँ पे, बॉन्ड टूटा, दोनों साइड HH जुड़े। और जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे ही हम इमीन बोलते हैं। सो इसे हमने बोल दिया इमीन। और फिर एसिडिक मीडियम में हमने जब पानी को लिया तो वो बना देगा इसको इथेनल के अंदर यानी कि एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। सो ये थी स्टीफन्स रिएक्शन। आपको अभी तक जो मैंने करवाया उसका अगर एक रिव्यू करवाऊँ तो ये था प्रिपरेशन तीन तरीके से, प्राइमरी अल्कोहल से, दो तरीके से आप कर सकते हैं PCC PDC डाल के या फिर कॉपर एट 573 केल्विन, ये दोनों डाल के आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। दूसरा था आप एल्काइन से बना सकते हैं। लास्ट था रोजरमुंड रिएक्शन जिसमें आपको SI क्लोराइड लेना है और उसकी रिएक्शन करवा देनी है H2PD और BSO4 के प्रेजेंस में जो कि पॉइजन का काम करेगा। फिर रिटार्ड रिएक्शन, उसमें क्या था, आपको टोल्यूइन लेना है क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 के प्रेजेंस में और ये बना देगा बेंज एल्डिहाइड। और अगर ये हमने टोल्यूइन का फुल ऑक्सीडेशन करवा दिया यानी KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 को जब हम बेस के प्रेजेंस में लेंगे तो वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है गेटमैन कोच रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है CHO यानी कि इसमें एल्डिहाइड बनने वाला है, बेंजीन से एल्डिहाइड बनाएंगे और CoHCl ये डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है SN यानी इसमें 10 का यूज होने वाला है, SnCl2HCl ये यूज होंगे इसमें। हम लेंगे इसमें नाइट्राइल और यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N होना चाहिए उसके अंदर, आगे चाहे आप R की फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। और जब उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो पहले बनेगा इमीन यानी कि C डबल बॉन्ड N, फिर उसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम एसिडिक पानी के साथ में तो फिर वो बना देगा इथेन यानी कि एल्डिहाइड। सो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर क्या है, इसमें हम देखेंगे वही तीन टाइप की रिएक्शंस। सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल से, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे पहचाने। तो इसमें देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन से जुड़ा है इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गई।
और इससे अगर यदि हम PCC, PDC या फिर H2CRO4 इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी करवाएंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन और इसके ऑक्सीडेशन से बन जाएगा कीटोन। अगर यहाँ पे प्राइमरी होता तो बनता एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो बनेगा कीटोन। सेम रिएक्शन नीचे वाली है कॉपर 573 केल्विन डिहाइड्रेशन होगा और फिर उसके बाद में बन जाएगा कीटोन। बस यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इनका डिफरेंस है। अगर यदि हम ये थर्ड रिएक्शन देखें जिसमें है एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो वही रिएक्शन एसिटिल्डिहाइड में थी डायल्यूट H2SO4 और HGSO4 इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और पानी भी साथ में डालेंगे तो बना देगा कीटोन। सेम टू सेम जब हम एसाइल क्लोराइड इनकी रिएक्शन कराते हैं, इसमें आपका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पर गौर करें। एसाइल क्लोराइड, सो एसाइल क्लोराइड हमें पता है जब एसाइल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा तो होगा एसाइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम R2CD के साथ में, यानी कि डाई एल्काइल कैडमियम के प्रेजेंस में CDCl2 भी साथ में होगा तो ये रिएक्शन आगे जाएगी और बनाएगी कीटोन। सो एसाइल क्लोराइड में अगर यदि हमें कीटोन बनाना है तो फिर हम डालेंगे R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, और वहीं अगर यदि हमें एसाइल क्लोराइड से बनाना है एल्डिहाइड तो हम उसमें डालेंगे H2PDBSO4 रोजनमोंड रिएक्शन। सो रोजनमोंड रिएक्शन की जगह पे अगर यदि आपने डाल दिया R2CD कैडमियम का सब्सटेंस CDCl2 तो आप बना देंगे कीटोन। नेक्स्ट अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो कीटोन की नाइट्राइल से कैसे करेंगे हम प्रिपरेशन, बेसिकली इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होने वाला है। सो ये हमने लिया एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है यानी सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्रेजेंट है और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसी को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जब इनकी रिएक्शन करवाई हमने ईथर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और C6H5 जुड़ जाएगा और यहाँ पे N के साथ में MgBr ये कनेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट जब एसिडिफाइड पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर ये NMgBr ये सब कुछ चला जाएगा और पानी का O आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बना देगा प्रोपियोफिनोन। तो ये था हमारा नाइट्राइल से रिएक्शन, यानी कि हमें चाहिए था कीटोन जो हमें मिल गया। कीटोन कैसे बनेगा, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोई भी नॉर्मल नाइट्राइल की रिएक्शन करवाएंगे तो फिर जहाँ पे N था आपको वो N हटा देना, उसके सारे बॉन्ड हटा देने हैं और बीच में लगाना है आपको डबल बॉन्ड O और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में था वो अटैच कर देना है। सो ये थी आपकी रिएक्शन, बेसिकली आपको करना है NMGBr ये सब कुछ हटा देना है, उनको कनेक्ट करना है और डबल बॉन्ड O लगा देना है। दिस इज कीटोन फॉर्मेशन बाय नाइट्राइल। लास्ट रिएक्शन देखें इसके प्रिपरेशन की, तो वो है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये कैसे करते हैं हम, जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि जब एसाइल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा उसे हम बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। सो जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो क्या होगा, एसिटोफिनोन फॉर्म होगा, यानी कि क्लोरीन यहां से हट जाएगा और ये बॉन्ड जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में। सो बेंजीन के साथ में ये बॉन्ड जाके जुड़ा और ये सारा एज इट इज जैसा यहाँ पे था। अगर यहाँ पे CH3 की जगह पे कोई भी R ग्रुप होता तो वो R ग्रुप यहाँ पे भी रह जाता। ये है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2 से 3 बार ये भी आया हुआ है। कैसे करना है आपको, बेंजीन लेनी है उसके अंदर एसाइल क्लोराइड डालना है, यानी कि एसाइल पोजीशन के ऊपर जब क्लोरीन जुड़ा हो उसे हम एसाइल क्लोराइड बोलेंगे, AlCl3 के प्रेजेंस में डालेंगे और एसिटोफिनोन बन जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएंगे, क्लोरीन हट जाएगा। अब हम देख लें कुछ रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर यदि एल्डिहाइड कीटोन की अगर यदि हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो वो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन अगर यदि दोनों की ही रिएक्शन देखनी हो तो ये जो दो रिएक्शन यहाँ पे शो की गई है ये दोनों के लिए ही रिएक्शन होती हैं। सो यहाँ पे R होगा दोनों जगह तो ये हो जाएगा कीटोन, और अगर एक जगह R है दूसरी जगह H है तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड। सो जब हम एल्डिहाइड कीटोन के अंदर डाल देते हैं HCN तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा CN। ऐसा यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ CN अटैच हो गया है, यानी टेट्राहेड्रल फॉर्म बन गई है, इसके चार बॉन्ड बन गए हैं कार्बन के। सो इसके अंदर अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है जिसके अंदर अल्कोहल फॉर्मेशन होती है और इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइनोहाइड्रीन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और वहीं अगर यदि हम इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन के अंदर NaHSO3 ऐड करते हैं, इसमें Na जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है और HSO3 ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है। सो जब आपको पता चल जाए कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है तब आपको रिएक्शन करवा देनी है। हमें पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवा देना है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लवर कौन सा होगा, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को हमें ऐड करवा देना है।
सो जब हम इसको ऐड करवाने चलेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो सोडियम बोलेगा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं तेरे को न्यूट्रल कर दूँ, तो सोडियम भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर हमें प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, यानी एच पॉजिटिव को लेके आना है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा और यहाँ पे एच जुड़ जाएगा और बना देगा बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड। सो नेक्स्ट देखें एडिशन ऑफ एल्कोहल से कैसे करवाएंगे ये रिएक्शन। सो एल्कोहल की एडिशन कैसे होती है, जब भी हम एल्डिहाइड लेते हैं और उसके अंदर ROH ये ग्रुप डालते हैं HCl गैस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होगी। जब हम एल्कोहल लेके आए एडिशन करवाने के लिए तो ये यहाँ पे जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो जब हम लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो बनेगा हेमी एसिटल। वही अगर हम एक और ROH को लेके आए H पॉजिटिव यानी HCl गैस के प्रेजेंस में, तो ये बना देगा एसिटल और साथ में पानी निकलेगा। सो नेक्स्ट देखें एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इन दोनों का एडिशन कैसे होता है वो देखते हैं। अभी हमने देखा था एडिशन ऑफ अल्कोहल कैसे होगा, उसमें एसिटल एंड हेमी एसिटल्स बनते हैं। सो एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे होता है, NH2NH। सो इसके डेरिवेटिव कैसे होंगे, जब एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कोई भी कंपाउंड आ जाए, कोई भी एटम आ जाए, मॉलिक्यूल आ जाए, तो वो हम बोलेंगे अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। सो इनका एडिशन कैसे होता है, उसका ये फ्लो चार्ट आपको शो किया गया है। कैसे है ये अभी देखते हैं। ये जो है ये है एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से कोई भी हो सकता है, दोनों के साथ रिएक्शन होगी। जब हम दोनों के अंदर अमोनिया डालते हैं तो इमीन बनता है, यानी कि ओ हटके NH जुड़ जाता है। सो इमीन बन जाएगा, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो इमीन बनता है, उसे हम इमीन ही नाम देंगे। सो अमोनिया डाल दी तो इमीन बनेगा। वहीं अगर यदि हमने एक एच को हटा के, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर एक एच हटा के कोई भी ग्रुप जोड़ दें तो उसे हम अमोनिया का डेरिवेटिव बोलते हैं। वैसे ही अगर हमने ग्रुप जोड़ दिया कोई भी आर यानी कार्बन चेन, तो फिर वो बनाता है स्निफ्स बेस। सो याद रखना है स्निफ्स बेस कैसे बनेगा, जब हम एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अमोनिया का डेरिवेटिव डालते हैं NH2R, तो फिर वो बना देता है स्निफ्स बेस, यानी कि ये जो H यहाँ पे रहता है उसकी जगह पे R आ जाता है। सो नेक्स्ट अगर रिएक्शन देखें तो वो है हाइड्रोक्सी अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे है, NH2OH, जब हम ये रिएजेंट डालेंगे तो ऑक्साइम मिलता है। ऑक्साइम कैसे बोलते हैं, जिसमें NOH ये वाला जो ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन डबल बॉन्ड, तो फिर उसे हम ऑक्साइम बोल देते हैं। सो ये जो ऑक्साइम फॉर्मेशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जब हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन डाला यानी कि NH2OH इसको डाला। नेक्स्ट अगर हम हाइड्राजीन डाल देते हैं, जब भी NH2 NH2 दोनों जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम हाइड्राजीन बोलते हैं। तो जब भी हम हाइड्राजीन डालते हैं तो हमें हाइड्रोजोन मिलता है। कैसे मिलता है, ये जो दो हाइड्रोजन है ये निकल जाएंगे और ये बना देंगे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट सेम रिएक्शन, एक एच हटा के आपके पास ना फिनाइल जुड़ा हुआ है तो वो फिनाइल एज इट इज रह जाएगा। देखो इसमें आपने देखा कि दो हाइड्रोजन थे, दोनों हट गए और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे भी होगा कि जो दो हाइड्रोजन थे वो निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखो 2,4-DNP हाइड्राजीन। सो 2,4-DNP का फॉर्मूला ये होता है, जो ये यहाँ पे शो किया गया है, ये है 2,4-DNP का फॉर्मूला। सो ये जो है जब हम इसके अंदर डालते हैं C डबल बॉन्ड OR, यानी कि जब हमने यहाँ पे डाला कीटोन एंड एल्डिहाइड, तो क्या होगा, पानी तो निकल जाएगा जो हर एक रिएक्शन में, इन दोनों तीनों रिएक्शन में होता आया है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे 2,4-DNP हो, चाहे हाइड्राजीन हो, चाहे हाइड्राजोन हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी हो वो एज इट इज रह जाता है, बस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर हम लास्ट रिएक्शन की बात करें वो है सेमी कार्बोजोन रिएक्शन। कैसे होगी, जब भी हम NH2 NHCO NH2 ये डालते हैं तो क्या होगा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और बाकी एज इट इज कनेक्ट हो जाता है। ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जब इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन जाने के बाद में, बाकी एज इट इज ये रह जाएगा जैसा है। सो ये थी रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और ये हमने देखा 2,4-DNP हाइड्रोजन वाला रिएक्शन। अब हम देखते हैं कुछ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो एल्डिहाइड कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं किससे करवाएंगे, LiAlH4 की प्रेजेंस में। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, LiAlH4। तो जब हम इसके प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड का, तो ये बना देगा प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हमेशा याद रखना रिडक्शन करवाएंगे ना तो नीचे की तरफ जाते हैं, यानी ऑक्सीजन कम होती जाती है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये भी कम होते जाते हैं। और जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन बढ़ेंगे और इसमें बेसिकली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन दिखती है। तो जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं हम, एल्काइल KMnO4 यानी बेस के प्रेजेंस में KMnO4 को यूज़ कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम
ऑक्साइड CrO3, एक्वस H2SO4, एसीटोन, ये हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एल्डिहाइड के प्रेजेंस के। ये मत सोचना कि हमने बस एसीटोन डाला और काम हो गया, ये ना ये सारे इकट्ठे हैं, कहीं अकेला एसीटोन लिख दो ना और हमने तो ऑक्सीडेशन करवाया था हमारे तो नंबर कट गए, ऐसा नहीं करना है आपको। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएजेंट लिख देना चाहे तो एल्काइल K1O4 लिख दो चाहे जॉन्स रिएजेंट लिख दो। सो ये हम आपको लिखने हैं और ये बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखें तो जब हम कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट तो अच्छा LiAl4 था तो उससे रिड्यूस करवाया तो उससे अल्कोहल ही मिला, लेकिन सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी पोजिशन थी तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा और एल्डिहाइड के अंदर प्राइमरी मिलता है। बट ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ऑक्सीडेशन इसका जल्दी से होता नहीं है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, और जब ये होता है तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ये टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर जो बचता है उसका यानी यहाँ पे बचा क्या है, CH3C(O) और यहाँ पे बचा CH3, तो ये जो बचा है इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा HC(H) यानी कि फॉर्मिंग एसिड, और जो यहाँ पे दो कार्बन वाला ये कंपाउंड बचा था इससे बनेगा इथेनोइक एसिड। सो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। याद रखना कीटोन जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं करता है, और जब भी करता है तो मिक्सचर बनाता है इथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड का, या फिर जो भी यहाँ पे आर ग्रुप आपको गिवन है उनका मिक्सचर बनाएगा, एक में एक हाइड्रो एक कार्बन ज्यादा होगा एक कंपाउंड के अंदर, दूसरे के अंदर कम होगा। सो नेक्स्ट देखें केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस बचे हैं बस, उसके बाद में हमें देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर ये चैप्टर खत्म। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं करवा रहे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, वन शॉट की वीडियो ज्यादातर आपको 2-3 घंटे की मिलेंगी, कम से कम भी आप ढूंढ रहे हैं ना तो कम से कम आपको 1.5 घंटे की तो मिलेंगी है। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करें। सो देखते हैं अभी केमिकल रिएक्शंस। जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं ZnHg HCl के प्रेजेंस में तो उसे हम बोलते हैं क्लेमेंस रिएक्शन। तो जब भी ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एल्डिहाइड कीटोन की तो वो होगा क्लेमेंस रिडक्शन और एल्केन फॉर्मेशन होगी। वहीं अगर यदि हम वोल्फ किशनर रिएक्शन की बात करें तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर NH2NH2 यानी हाइड्राजीन पानी के प्रेजेंस में डालते हैं तो वो हाइड्राजोन बनाता है, और KOH की प्रेजेंस में जब हम इथाइलीन ग्लाइकोल डाल के हीट करेंगे तो वो एल्केन बना देगा, यानी बनना दोनों में एल्केन ही है लास्ट में, बस दोनों में डिफरेंस क्या है रिएजेंट का। सो क्लेमेंशन रिडक्शन के अंदर रिएजेंट है ZnHg प्रेजेंस ऑफ CHCl, और वहीं अगर वोल्फ किसने रिएक्शन की बात करें तो उसमें है NH2NH2 यानी हाइड्राजीन पानी के प्रेजेंस में, और फिर दूसरे स्टेप के अंदर डालेंगे KOH इथाइलीन ग्लाइकोल एंड हीट कर देंगे। सो ये थी वुल्फ किशनर एंड क्लेमेंशन रिडक्शन, ये जो है केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की। देखो इन दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटीज क्या क्या है, एल्डिहाइड कीटोन ही लेके चलना है स्टार्टिंग में, बस बीच में रिएजेंट अलग अलग लगाने हैं और एंड में आपको प्रोडक्ट भी सेम मिलना है एल्केन। सो प्रोडक्ट भी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, बस बीच में रिएजेंट डिफरेंट है जो कि है क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिएक्शन के रिएजेंट्स। तो ये आपको देख लेने हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे लर्न करेंगे वो आप अपनी खुद की ट्रिक बना लेना। सो नेक्स्ट एंड इसके बाद में एक रिएक्शन और बची है, उसके बाद में ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे, फिर टेस्ट बचते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो अभी हम देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसमें होगा कि नहीं होगा तो कैसे पता लगाना है, जब भी एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और डाइल्यूट बेसिक मीडियम का यूज किया होता है तो वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा ही होगा। और वहीं अगर यदि नॉन अल्फा हाइड्रोजन कोई कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड भी होना जरूरी है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब C(O) होना जरूरी है, तो C(O) ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है तो उसमें हम कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। वहीं अगर यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। कैसे पता चलेगा अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन को ही हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। तो एसिडिक का कैसे पता चलता है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप जैसे CHO C(O) COOH ये ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये प्रेजेंट होते हैं और उसे जस्ट नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे होते हैं तो उन्हें ही हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कि अगर इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक या फिर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट बेस यानी NaOH के साथ में और बाद में इसको हीट करेंगे तो हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और वो क्या होगा, ब्यूट टू इन एल ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। सो इसमें बेसिकली मिला क्या, हमें एल्डिहाइड मिलता है CHO, ये जो प्रोडक्ट है ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। वहीं अगर कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो उसमें नॉन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि इसमें CHO ग्रुप तो है लेकिन इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसके सारे बॉन्ड तो कवर हो चुके हैं तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट। तो उसमें कैनिजारो रिएक्शन करेंगे और वो कैसे प्रोसीड करती है, जब हम कंसनट्रेटेड NaOH डालेंगे और फिर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा
बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि इसको हटा के हमें मिलता है CH2OH, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल, और सोडियम बेंजोनोइट, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। जब इसका रिडक्शन होगा तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोल्ट। वहीं अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो उसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो कि एल्डिहाइड होता है, एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड, ये इसके नाम से भी पता चल रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी जारो के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक और बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि एल्डोल कंडेंसेशन आप अपनी बुक से, नोटबुक से, जहां पर भी आप नोट बनाए हैं वहां से, खुद की लैंग्वेज में अगर कहीं पर लिख रखा है तो जरूर पढ़ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एल्डोल कंडेंसेशन, इसके रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। जो सबसे पहला टेस्ट है वो है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट के अंदर क्या होगा, ये इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। इसमें लास्ट में जो हमारे टेस्टिक होती है उसका कलर एकदम सिल्वरी हो जाता है। क्या रिएक्शन होगी इसमें, एल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में, जो कि होता है AgNH3 twice, जब हम इसको बेसिक मीडियम में लेंगे और एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलता है RCO और साथ में Ag, यानी सिल्वर मिरर मिलता है, अमोनिया और साथ में पानी। तो ये था टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, AgNH3 twice। अब हम देखते हैं फिलिंग्स टेस्ट। फिलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये जो भी टेस्ट करवा रही हूँ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और राइडोफॉर्म टेस्ट की तो बहुत सी रिएक्शंस भी आती हैं, सो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है। सो फिलिंग टेस्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ, इसमें एक मेन बात बताऊं तो ये ना सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के साथ में रिएक्ट करता है, यानी कि आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक इन दोनों में से सेपरेट करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा क्या है। अगर आपको ये सेपरेट करना है, एलिफैटिक वाला रिएक्ट कर जाएगा फिलिंग्स रिएजेंट से, वहीं दूसरा नहीं कर पाएगा। जो एसाइल होंगे यानी कि जो रिंग के अंदर होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जो चेन के अंदर होंगे वो रिएक्ट करेंगे। सो एलिफैटिक है एल्डिहाइड यानी कि RCHO, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, तो ये देगा फिलिंग सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है। देखो इसमें हम जहाँ पे कॉपर होता है ना, नॉर्मली उसका कलर ब्लू होता है, तो इसमें फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग रिएजेंट के अंदर क्या है, कॉपर है और साथ में बेसिक मीडियम लिया है हमने, ये OH नेगेटिव आएगा यहाँ पे। सो फिलिंग सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है, इसमें हमने फिलिंग सॉल्यूशन इसको नाम दिया है और ये ब्लू कलर का है। जैसे ही हमने इसमें एलिफैटिक एल्डिहाइड डाला कोई, तो वो तो चला गया यानी कि वहां पे एल्डिहाइड नहीं बचा, लेकिन साथ में छोड़ गया क्यूप्रस ऑक्साइड CU2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बच गया जो कि रेड कलर का होता है, रेड PPT, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड था, और हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जब भी रिएक्शन हो जाए इसका मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड था, और हमें ऐसे देखने से भी पता चल जाएगा उसमें ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा कलर। सो टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता चले, और जब ऐसे ही नॉर्मल से चेंजेस होते हैं, कलर में कोई चेंज नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती, तो हमें पता कैसे चलेगा। सो ऐसे ही हम उन्हीं टेस्ट का नाम देते हैं जिनमें कुछ कलर में डिफरेंस आए, जैसे कि पहले सिल्वर टेस्ट ट्यूब हो गई थी और अब ब्लू से रेड कलर हो गया, यानी कलर चेंज हो गया। ऐसे जो लास्ट वाला है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये किन किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो टॉलरेंस टेस्ट था वो हम एल्डिहाइड के लिए कर सकते हैं, एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए, और फिलिंग्स जो टेस्ट है वो हम एलिफैटिक एल्डिहाइड उसमें से भी सेपरेट कर लिया, अब हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए। और आइडोफॉर्म टेस्ट है वो होता है जब सी डबल बॉन्डो के साथ में CH3 ये जुड़ा हो, तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट को कर सकते हैं। वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जब भी सी डबल बॉन्डो के साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 नहीं जुड़ा तो काम नहीं बनेगा, CH3 ही होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एज वेल एज ये भी देते हैं, बट हमारे चैप्टर में यही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जब होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो देखो यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड O, यानी कि ये ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम इसमें क्या करते हैं I2 आयोडीन गैस डाल देते हैं और एक बेसिक मीडियम ले लेते हैं, बेसिकली हम NaOH ही लेते हैं। सो NaOH हमने डाला, I2 और NaOH दोनों को डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो CH3 और ये H, ये दोनों उड़ जाएंगे CH4 बन के, मिथेन बन के, और ये जो बचा यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जाके जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ में। और जो CH3 हमने कहा कि ये हाइड्रोजन लेकर उड़ जाएगा CH4 बन के, तो क्या होगा, ये जो आयोडीन गैस हमने डाली है ये इसके साथ कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करेगी और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बच पाएगा और तीन आयोडीन जुड़ जाएंगे। अगर चारों आयोडीन जुड़ जाएं तो ये कंपाउंड ही स्टेबल नहीं होगा, इसलिए एक हाइड्रोजन बचती है और तीन आयोडीन जुड़ते हैं, तो ये बन जाएगा CHI3 येलो PPT। सो देखो जो टॉलरेंस था उसके अंदर हमें सिल्वर कलर मिल रहा था क्योंकि उसके अंदर रिएजेंट था AgNH3 twice,
वही फिलिंग्स टेस्ट के अंदर हमने कॉपर टू पॉजिटिव ले रखा था तो वो ब्लू कलर था, और जब रिएक्शन हो गई तो कुप्रस ऑक्साइड रेड कलर का मिल गया, तो उसमें कलर चेंज हो गया, हमें पता चल गया हाँ रिएक्शन हो गई, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड था। वहीं आइडोफोम टेस्ट के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O का प्रेजेंस हमें जब पता चल जाएगा, जब येलो PPT फॉर्मेशन हो जाएगी, जो किसके कारण होती है, CHI3 के कारण। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड, आफ्टर दैट ये चैप्टर खत्म। बस अब तो दो ही पेजेस, यानी दो भी क्या ढाई, सॉरी डेढ़ पेजेस ही बचे हैं। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ढाई का डेढ़ का, बहुत कंफ्यूजन रहता है मुझे तो। सो अभी हम देखते हैं कि क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आपको सिर्फ डेढ़ पेजेस के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी देखते हैं प्रिपरेशन क्या है। सो RCOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये जो COOH ग्रुप होता है, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। इसके रिएक्शंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो हम देखो, जब भी फुल ऑक्सीडेशन होता है ना किसी भी चीज़ का, पूरा ऑक्सीडेशन हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है हमेशा। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे ना, तभी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, यानी KNO4 एल्काइल मीडियम में, तो वह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। वहीं अगर हम एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में ले लें, कि प्रेजेंस में ले लें, तो वो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। वहीं अगर अमाइड है, ये जो ग्रुप होता है उसे हम अमाइड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ में NH2 जुड़ा हो तो वो अमाइड है। तो जब भी अमाइड को हमें कन्वर्ट करवाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो हम पानी और कोई भी अच्छा सा एसिड ले लें, एच पॉजिटिव आयंस ले लें और उसको हीट कर दें, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। कैसे मिलेगा, जो C डबल बॉन्ड O NH2 है, ये NH2 तो 4 हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, और पानी का OH है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O और OH जो आके जुड़ गया, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और साथ में ले रखा है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसे हम पानी प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ले जाएंगे। एस्टर में भी अगर हम ऑक्सीडेशन के लिए H3 पॉजिटिव आयन डाल दें, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। वहीं एसाइल क्लोराइड के अंदर, यानी कि C डबल बॉन्ड O के साथ में जब Cl जुड़ा होता है, उसके अंदर हम पानी डाल दें, या फिर हम H3O पॉजिटिव आयन, या फिर हम बोल देते हैं H2O प्लस H पॉजिटिव आयन, ये डाल दें, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो देखो, आपको ध्यान रखना है, जब भी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के अंदर हम डालेंगे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एल्कलाइन KNO4, तो वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एज इट इज हमने देखा था कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, कि वो ना अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं करता, एक्सट्रीम कंडीशन पे ही करता है, और वो मिक्सचर देता है इथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड, बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन की, कीटोन की एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन, एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवाने पे भी हमें कीटोन मिल जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। सो जो हम नॉर्मल रिएक्शंस लेते हैं वो है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, इनके फुल ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं अगर यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, इनके अंदर डाल दें H3O पॉजिटिव आयंस, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये भी ध्यान रखना है कि CO2 प्लस डाई ईथर भी था, बाकी सभी में अगर आपने लिख दिया H3O पॉजिटिव आयन तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 प्लस डाई ईथर लिखना पड़ेगा। सो अब एक लास्ट रिएजेंट, लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है, वो है टोल्यूइन से, जो हमने थोड़ी देर पहले भी कर ली थी, जब हम कौन सी रिएक्शन कर रहे थे, इटार रिएक्शन कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि इटार रिएक्शन में जब हम टोल्यूइन के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, तो हमें मिल रहा था CHO यानी कि एल्डिहाइड। वहीं अगर हम फुल ऑक्सीडेशन करवाएं इटार रिएक्शन का, वो सोचो रिएजेंट सोचो क्या था, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, याद रखना। सो जब हमने वहाँ पे देखा था कि टोल्यूइन का फुल ऑक्सीडेशन करवाएं यानी एल्कलाइन KNO4 डालें, तो बेंजोइक एसिड मिलता है, वही रिएक्शन है। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, जब हम इसके अंदर अमोनिया डालते हैं तो क्या होगा, ये OH हट जाएगा, यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा, यही रिएक्शन हमने यहाँ पे की थी। अभी इसका उल्टा बता रहा है कि इससे भी हम ये बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे अगर हमने अमोनिया डाल दी तो, क्योंकि देखो इसमें NH2 है यानी अमोनिया की तो जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसमें अमोनिया डाल दी और ये बन गया। वहीं अगर यदि हम NaOH यानी कि कोई भी बेस डाल दें, तो ये जो H है ये हट जाता है और Na पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। देखो ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट फॉर्मेशन और पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये जो है ये बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट भी बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये एसिड, ये बेस, सॉल्ट बना, पानी निकला, और साथ में बाइकार्बोनेट है तो उसमें CO2 भी निकलती है। वहीं अगर यदि हम इसका रिडक्शन करवाएं, तो रिडक्शन से हमेशा ही अल्कोहल बनता है, किसी का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अगर यदि कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है, फुल ऑक्सीडेशन, फुल रिडक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें अल्कोहल ही बनता है। तो इसमें LiAl(H4) डाला यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो अल्कोहल बन गया। वहीं अगर यदि इसके अंदर हमने
किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ही डाल दिया, वो भी थोड़ा सा हीट करके एसिडिक नेचर में ही यानी एच पॉजिटिव की फॉर्म में, तो एनहाइड्राइड बन जाता है और पानी निकल जाता है, क्योंकि हमने हीट किया है तो पानी निकल जाएगा और जो ROH ROH ये दोनों हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वहीं अगर यदि हमने इसके अंदर अल्कोहल डाल दिया तो ये ना आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साबुन बनाने की प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन, सो वही है यहाँ पे RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमने मिलाया पानी और थोड़ा सा एसिड और साथ में डाल दिया अल्कोहल, तो ये बन जाएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो RC डबल बॉन्ड OR इसे ही हम एस्टर बोलते हैं, ध्यान रखना कई बार हम ईथर एस्टर के अंदर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे, थोड़ा बहुत अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि एस्टर में दो ई आते हैं, सॉरी वो तो ईथर के अंदर भी आते हैं, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि जो इसमें एस आता है उसमें हम दो गोले बना सकते हैं, एस के अंदर हम दो सर्कल्स बना सकते हैं, इसका मतलब जिसके अंदर भी दो सर्कल होंगे ना वही एस्टर होगा, वही ईथर के अंदर एक ही सर्कल आएगा। सो अभी हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन, वो है जब भी हम PCl5 PCl3 SOCl2 इनमें से कोई भी डाल दो, चाहे ये तीनों नहीं डालने आपको, चाहे तो PCl5 डाल दो, चाहे PCl3 डाल दो, चाहे SOCl3 डाल दो, ये SOCl3 है, तो जब हम इन तीनों में से कोई भी डालेंगे इसके अंदर तो ये एसाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी देखो इन तीनों में क्लोरीन है तो ये OH को हटा देंगे और क्लोरीन को लगा देंगे, तो OH हट गया और क्लोरीन लग गया, और ये अमोनिया वाला हमने पहले ही देख लिया था, जब ये अमोनिया डालेंगे तो अमाइड फॉर्मेशन होगी। अब है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। देखो जेलेंस्की, जेलेंस्की जो न्यूज सुनता होगा ना उसको तो पता होगा जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, तो वहां से अगर आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाए, थोड़ा बहुत ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसका, वहां पे वॉर चल रही है ना अभी, तो थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रिक बनाना चल रहा हो, हाँ ये ट्रिक लग सकती है तो बना लेना, वरना रिएक्शन बता देती हूँ। रिएक्शन क्या है, जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ना वहीं रिएक्शन हो पाएगी, जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे वहाँ नहीं हो पाएगी। क्या है इसमें, देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, जब भी CHO C डबल बॉन्ड O COOH यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं ना उसे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वही एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन है, सो इसमें रिएक्शन होगी। क्या आगे रिएक्शन होगी, अगर हम इसके अंदर कोई भी हैलोजन डाल देते हैं, ये क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है, तो जब भी हम ये डालेंगे इसके अंदर और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो, ये बेसिकली हीटिंग का ही काम करता है, और फिर सेकंड स्टेप में पानी डाल देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और ये जो एक एसिडिक हाइड्रोजन था, कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्टार्ट में भी था ही, लेकिन होगा क्या, जो एक एसिडिक हाइड्रोजन था वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे एक हैलोजन जुड़ जाएगा, इससे हम बेसिकली अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, यानी कि अल्फा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के और कोई भी हेलो कंपाउंड जोड़ते हैं, यानी XCl भी हो सकता है, BR भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन जोड़ सकते हैं। सो ये थे हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दो वो तीन बार आई भी हुई है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। क्या है, जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहीं पे ये काम करेगी, इसमें आपको पहले स्टेप के अंदर जो आपको ऐड कराना है वो हैलोजन डाल देना है और रेड फॉस्फोरस, वहीं दूसरे स्टेप में पानी ऐड कर देना है। सो क्या होगा, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था वो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल के और वो हैलोजन ऐड हो जाएगा। अब लास्ट जो पोर्शन बचा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आफ्टर दैट दिस वीडियो आल्सो कंप्लीट एंड दिस चैप्टर आल्सो कंप्लीट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नेम्ड रिएक्शन वाले पेजेस थे, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छे से इनमें सब कुछ एक्सप्लेन करके लिख रखा है और पूरी क्लास 12th के सारे नेम्ड रिएक्शन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको चाहिए तो। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कहाँ होंगे, क्या होगा, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये जो कंपाउंड है ना इसमें COOH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो माइनस R इफेक्ट दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग से खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन से जो रिंग से इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी को कम कर देगा और खुद की तरफ ऐसे खींच लेगा, यानी कि इसमें जो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं वो ऐसे ऐसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहते हैं और रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वहीं जो इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर डालते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वाली पोजिशन ऑर्थो है, ये मेटा एंड ये पैरा, सो ये जो रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है ये मेटा डायरेक्टिंग है। सो अब इसकी रिएक्शंस देखें तो आप उनमें पाएंगे कि हर एक जगह जो एडिशन होगी वो मेटा पोजीशन के ऊपर ही होगी। वहीं अगर यदि यहाँ पे कोई और कंपाउंड होता है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता तो यहाँ पे एंड यहाँ पे इन दोनों जगह पे होती, जिन जगहों पे अब नहीं है, ये और ये दोनों ही मेटा है, ये भी मेटा है और ये भी मेटा पोजीशन है, यानी कि जहाँ पे कंपाउंड जुड़ा होता है उसे एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन मेटा होती है। अभी हम देखें जब इसमें हम हैलोजनेशन करवाते हैं यानी Br2 कोई भी हम यहाँ पे गैस डाल सकते हैं, हैलोजन वाली गैस यानी कि Cl2 भी डाल सकते हैं, Br2 अगर भी हम डालें और साथ में डालें FeBr3 तो ये हमें
मेटापोजिशन के ऊपर ब्रोमीन जोड़ के देता है। वहीं अगर हम नाइट्रेशन कराएं, हमेशा याद रखना नाइट्रेशन हमेशा इन्हीं दो से होता है, जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों डालते हैं तो नाइट्रेशन होता है, हमेशा इन्हीं से होता है। क्या करवाएंगे हम, जब भी हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो NO2 ऐड हो जाता है, और मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 ऐड हो जाएगा। वहीं सल्फोनेशन के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं सल्फोनेशन के लिए, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन के ऊपर SO3H ऐड हो जाएगा और ये बना देगा मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। सो सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। वहीं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो ये था हमारा कंप्लीट नोट्स, प्रिपरेशन, टेस्ट, जो भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हमने कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेम रिएक्शन वाली वीडियो के बारे में आप मुझे बता देना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे आपका इसको जानने का इच्छा है कि नहीं, कहीं मैं इसको ये प्रोवाइड करूँ और किसी को चाहिए ना हो, सो मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।